अल्लाह अकबर। इसीलिए फरमाया ये इल्म हासिल करना वाजिब है, मिनल महद इलल लहद, गहवारे से लेकर कब्र तक उम्र की कोई कैद नहीं। ये इल्म हासिल कर, कहीं सेक्स की फैकल्टी शहवत तुम पे कंट्रोल न कर ले, तू जाके गुनाह में गिरेगा और मुमकिन है तू अपनी दुनिया की जिंदगी को भी बर्बाद कर दे, आखिरत की जिंदगी को भी बर्बाद कर दे। आज मिलियन लोग एड्स की बीमारी में मर रहे हैं, ये होमोसेक्सुअलिटी की वजह से। हर साल मिलियंस, 10 मिलियंस लोग दुनिया में मर रहे हैं, 10 मिलियन, 1 करोड़ इंसान, क्योंकि शहवत पे कंट्रोल नहीं है। इसीलिए मौला फरमाते हैं औजु बिल्लाहि मिनज़्ज़ुनूब अल्लती तो अज्जिलुल फना, मौला अली का जुमला है, लोगों पनाह मांगो अल्लाह से उन गुनाहों से जिनकी वजह से उम्र कम हो जाती है। फरमाया उन गुनाहों में से गुनाह जिना है, जिना 30 साल की उम्र 3 साल में बदल जाती है। अगर कुए शहविये पे आपको कंट्रोल नहीं है, सेक्स फैकल्टी पे कंट्रोल नहीं है, आप हैवान बन के रेप करेंगे। और आज यूरोप में कत्ल से ज्यादा बड़ी सजा रेप की है, किसी औरत की इज्जत लूटेंगे, हैवान बन जाएंगे, या गुनाह करके एड्स की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये इमोशन अल्लाह ने क्यों दिया है? बेकार नहीं दिया है। अगर ये कंट्रोल में हो जाए और आप निकाह करें तो एक फर्जंद सालिह बनता है जो आपके लिए सदके जारिया का सबब होता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अगर ये कंट्रोल में रहे तो सदके जारी या कयामत तक आपको सवाब मिलेगा। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये आपको हैवान बना देगा। अजीजों, ये बहस बहुत जरूरी है।